अरे राहुल बाबा, आप तो क्या, आपकी तीसरी पीढ़ी भी आ जाए, धारा 370 वापिस नहीं आए। अरे राहुल बाबा, आपकी सभा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं, लगवाते हो, किसको खुश करना चाहते हो? राहुल गांधी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जाकर कश्मीर में कहते हैं हम धारा 370 को वापिस लाएंगे, हम सारे आतंकवादियों को छोड़ देंगे। अरे राहुल बाबा, आप तो क्या, आपकी तीसरी पीढ़ी भी आ जाए, धारा 370 वापिस नहीं आए। ये इतिहास बन चुका है। आपके समय में, आपके नाना के समय में धारा 370 ने कश्मीर पर सवालिया निशान लगाया था, नरेंद्र मोदी जी ने वो सवालिया निशान हटाने का काम किया है, अब वो वापिस नहीं आ सकता है। मैं कांग्रेस पार्टी के नेताओं को पूछना चाहता हूं, ये 2 लाख नौकरियां किसको दोगे भाई? जो युवा योग्य है उसको दोगे, या जो आपको खर्ची देता है, जिसके पास आपकी पर्ची है उसको दोगे? भाइयों बहनों, कांग्रेस को जिताने का मतलब है युवाओं के पास से 20 लाख 25 लाख 30 लाख नौकरी के बारे में भ्रष्टाचार करना, और भाजपा को जिताने का मतलब है डाकियों को सगुन का 100 रुपया दो, आपका अपॉइंटमेंट लेटर आपके घर पर आ जाएगा, डाकिया दे जाए।